चैनल आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं ग्रोफर्स ग्रोसरी शॉपिंग हॉल जो भी है मैं वो करने वाली हूँ। एंड आप एक्चुअली परचेज सो मैनी ग्रोसरीज फ्रॉम ग्रोफर्स, और ये मेरा पहला टाइम है दैट आई हैव ऑर्डर फ्रॉम ग्रोफर्स एंड आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। वैसे तो मुझे ग्रोफर्स बहुत अच्छा लगा क्योंकि यू नो बहुत सारी सेविंग्स हुई मेरी। ऑलमोस्ट ये जितना भी आप देख रहे हो सामान, ये इतने सारे बैग, 1 2 3 4 5 6 बैग्स है। एंड मैंने ये सारी ग्रॉसरीज अराउंड 5600 की खरीदी है, बट मेरे को 1000 की सेविंग्स हुई है ग्रोफर्स में। एंड ये पहली बार मैंने शॉपिंग किया ग्रोफर्स से। इससे पहले मैं बिग बास्केट से करती थी, लेकिन बिग बास्केट में आई डिड नॉट सी कि एनी सेविंग होता था मेरा या कुछ भी मेरे को डिस्काउंट मिलता था। तो मैंने सोचा वाई नॉट ट्राई आउट ग्रोफर्स। एंड दूसरी चीज़, इसलिए मैंने ग्रोफर्स से शॉपिंग की बिकॉज इसमें सुडेक्सो अभी चल रहा है। सो इट वॉज वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि सुडेक्सो में मेरे बहुत सारे मील बैलेंस है, बहुत सारे एक्यूमुलेट हो गए थे एंड मेरे को उसको खर्च करना था। एंड मैंने सोचा वाई नॉट, मेरे को ऐसे भी अभी शॉपिंग एंड ऑल, कपड़ों की शॉपिंग एंड ऑल का कुछ भी करना नहीं है, बस मेरे को ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। तो मैंने उससे ये शॉपिंग कर लिया। एंड सो लेट्स सी वन बाय वन की क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। मेरे को खुद भी याद नहीं क्या क्या शॉपिंग किया है मैंने। सो लेट्स जस्ट ओपन इट। एंड बस मेरे को ग्रोफर्स की सारी चीजें ही अच्छी लगी, एक्सेप्ट फॉर दिस कि इसमें बहुत सारे प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज किया गया है। अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स तो पैकेट प्लास्टिक के पैकेट में होते ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा पैक प्लास्टिक का इन्होंने यूज किया, सो दैट इज वेरी यू नो डिसहार्टनिंग फॉर मी। सो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। सो दिस इज ऑल द फ्रूट आइटम्स आई हैव गॉट। तो ये ऑरेंजेस है, 4 ऑरेंजेस एंड देन पाइनएप्पल एंड देन बैगन मैंने मंगवाई है, कुछ पकौड़िया या भज्जी टाइप कुछ खाने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट पैकेट। ओके, 3 पैकेट के लिए इतना बड़ा यू नो प्लास्टिक बैग, इट्स आई डोंट फील कंफर्टेबल बाइंग सो मच ऑफ प्लास्टिक एक्स्ट्रा पैकेजेस। तो ये साइड में रखते हैं, ये पहला 3 चीज आइटम्स है। एंड देन आई एम गोइंग टू टेक दिस सेकेंड पैकेट, और इसमें देखते हैं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो लेट्स कट इट। और बिग बास्केट की एक चीज मेरे को बहुत पसंद आई कि यू नो जो भी डिलीवरी वो लोग करते हैं ग्रोसरीज की, दैट इज टोटली प्लास्टिक फ्री। वो चाहते कि यू नो दे आर टेलिंग अस टू ब्रिंग आवर ओन बैग, एंड उसमें वो सारी सामान यू नो दे गिव इट, दे डू नॉट गिव दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक बैग। तो वो मेरे को बिग बास्केट की बहुत अच्छी लगी। सो मे बी आई एम थिंकिंग आई विल बी शॉपिंग मोर फ्रॉम बिग बास्केट बिकॉज दैट इज प्लास्टिक सेफ एंड इट इज लाइक मोर इको फ्रेंडली। ओके, सो दिस इज बिल, इसमें बहुत सारे आइटम्स है। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई कैन सी हियर इज प्रिंगल्स। एंड प्रिंगल्स एक बार मैंने टेस्ट किया था, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज इन सार एंड क्रीम फ्लेवर, ऑनियन फ्लेवर है। एंड देन नेक्स्ट आई हैव पार्ले जी, एंड दिस इज बेसिकली आई हैव ऑर्डर 2 पैकेट्स। सो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है मैं उनको यू नो फीड करती हूँ बिस्किट। आई डोंट, मतलब मेरे को यही लगा एक यू नो दैट आई कैन फीड 2 डॉग्स, तो मैंने पार्ले जी मंगवा लिया उनके लिए। एंड देन आई हैव गॉट पोलो। पोलो मेरे को बहुत पसंद है। आई थिंक मैंने 3 ऑर्डर किया था, कुछ इसमें कुछ ऑफर था शायद, बाय 2 गेट 1 फ्री। एंड देन आई हैव दिस पीनट, सॉल्टेड पीनट, ये भी मेरे को बहुत पसंद है। मेरे इसमें सारी मेरी फेवरेट चीजें हैं एंड आई हैव ऑर्डर 2 ऑफ देम। एंड देन ओके आई ऑर्डर दिस पानी पूरी मसाला, मेरे को बहुत पानी पूरी की क्रेविंग हो रही है इस लॉकडाउन में, एंड दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस ये। एंड देन आई हैव ऑर्डर दिस 2 ओट्स वाला बिस्किट, ये मैंने एक बार टेस्ट करा हुआ है एंड इसमें से
इसके बहुत सारे फ्लेवर्स है जैसे कि यू नो ओट्स एंड रेजीन एंड ओट्स और आलमंड, लेकिन मेरे को ओट्स एंड चॉकलेट बहुत टेस्टी लगा, दैट्स व्हाई आई हैव ऑर्डर्ड इट। ये खाने में बहुत टेस्टी है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। देन मूविंग ऑन, ओके आई हैव ऑर्डर्ड दिस टोमेटो प्योरे पनीर बटर मसाला बनाने के लिए, ये मैंने ऑर्डर किया है। एंड देन मैंने ये स्ट्रेनर ऑर्डर किया है चाय पीने के लिए, सो आई डिड नॉट हैव दिस तो मैंने ये ऑर्डर किया है। तो इसमें सारे आपको यू नो ग्रोफिस में फूड ग्रोसरीज के अलावा आपको ये यूटेंसिल एंड इवन क्लोथिंग आइटम्स भी अवेलेबल है तो आप वो खरीद सकते हो। एंड देन बहुत सारी चीजें हैं एंड दिस इज नमक पारे, आई लव नमक पारे। तो मैंने यू नो फर्स्ट टाइम ये देखा, आई डू नॉट सी ये ऐसे टाइप की नमकीन इन बिग बास्केट, और ग्रोफर्स में मेरे को ये मिल गया तो मैंने झटपट ये ऑर्डर कर लिया। उसके बाद देयर इज मेथी मटरी, आई लव मटरी, हल्दीराम की एक पिंक कलर की पैकेट में आती ना मटरी, वो मेरे को बहुत पसंद है। एंड मैंने सोचा कि दूसरे ब्रांड का भी ट्राई किया जाए तो मटरी इनमें यू नो था तो मैंने ऑर्डर कर लिया ये। एंड इनफैक्ट तीन चार, हाँ ये दूसरी पैकेट एंड या दूसरी, ओके एंड दिस इज गोल मटरी, आई डोंट नो क्या डिफरेंस है लेकिन मैंने ये सारे आइटम्स ऑर्डर किया है। तो मे बी शायद मैं इसका सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि मैंने अभी तक ये कभी टेस्ट नहीं किया है। सो ये इतनी सारी मटरी खाने की मैंने मंगवा ली है। एंड गाइस ये जो भी ग्रोसरी है ये मैंने यू नो इन अ सेंस एक महीने का मंगाया है, तो ये आई होप कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो बट देखते हैं। एंड देन आई ऑर्डर गरम मसाला क्योंकि आजकल मैं बहुत कुकिंग कर रही हूँ एंड मैंने देखा है हर एक रेसिपी, बहुत सारी रेसिपी में दे यूज गरम मसाला, तो मैंने सोचा चलो गरम मसाला ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर कर लिया। एंड देन ओके दिस इज माई फेवरेट 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 लेस, मुझे लेस में हमेशा ही ग्रीन कलर का लेस पसंद आता है, दैट इज बिकॉज ये अनियन एंड क्रीम फ्लेवर है। तो मैंने ये 20 रुपीज का पैकेट मंगवाया एंड देन मैंने बोला था राइट तीन पोलो, सो दिस इज वन मोर पोलो। एंड दिस इज द बिस्किट, एंड ये वाली बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, यू नो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज, चाइल्डहुड में भी हम लोग ये वाली क्रीम बिस्किट बहुत खाते थे, मुझे बहुत पसंद था ये वाला एंड अभी भी पसंद है। एंड देन कुरकुरे, रिसेंटली यू नो बीच में मैंने आई थिंक कुरकुरे खाना छोड़ दिया था बिकॉज एक्चुअली ये सारी जो भी पैकेज फूड मैंने मंगाई वो हेल्दी नहीं है, बट यू नो इस लॉकडाउन में मेरे को बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी चीजें खाने का शौक फिर से हो गया है, तो वही मैंने ये कुरकुरे मंगवाया एंड अभी मेरे को फिलहाल अच्छा लग रहा है, वरना बीच में मैंने बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया था कुरकुरे खाना। एंड दिस इज वही 20 रुपीज का पैकेट क्लासिक। ओके वन मोर लेस एंड देन दिस इज ऑल इन वन क्रिस्पी एंड टेस्टी मिक्सचर, आई थिंक ये ग्रोफर्स का ही खुद का ब्रांड है, आई थिंक ये ऑल इन वन जो भी ये सारे ग्रोफर्स के ही ब्रांड है। ओके तो ये भी मैंने, मुझे ना नमकीन खाने का बहुत शौक है तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया एंड लेट्स सी कि कैसा होगा ये। तो इस वाले बैग में तो इतना ही एंड दैट्स द थर्ड पैकेट, इसको भी अनबॉक्स करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओके सो दिस इज द टूथपेस्ट आई हैव ऑर्डर्ड, मेरे को मेस्वाक एंड ये रेड दंत मंजन वाली टूथपेस्ट बहुत पसंद है तो मैंने ये ऑर्डर किया है। इसमें भी कुछ ऑफर था, दैट्स व्हाट बाय थ्री गेट वन फ्री, तो मैंने ये ऑर्डर किया। एंड देन दिस इज सम सॉल्टेड, इसका नाम भूल गई, हाउ कैन आई फॉरगेट, पिस्ताचियो, दिस इज द सॉल्टेड पिस्ताचियो, मेरे को बहुत पसंद है तो मैंने ये ऑर्डर किया है। Oh my god, कितना प्लास्टिक है यार, ओनली दिस इज द थिंग आई डोंट लाइक, दिस इज सो मच ऑफ प्लास्टिक यार, उफ। ओके ठीक है एंड देन दिस इज द सर्फ एक्सेल जो भी है लिक्विड डिटर्जेंट, इसका ज्यादा काम नहीं है यहाँ पे। एंड देन दिस इज
सम हेयर ऑयल एंड आई लव दिस इंदुलेखा हेयर ऑयल. ये थोड़ी कॉस्टली होती है बट ये मेरे हेयर को बहुत सूट करती है. ये थोड़ा हेयर फॉल कम करा देती है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड इसका प्राइस बहुत ज्यादा है एक्चुअली. दिस इज 432 एंड बस 100 ml ही होता है. तो मेरे को मंथ में ये दो बार चल जाता है. एक्चुअली मंथ में मेरे को दो बॉटल लग जाते हैं. सो दिस इज लाइक रियली कॉस्टली बट इट एक्चुअली वर्क्स. इसलिए मैं ये हेयर ऑयल लेती हूँ. एंड इसकी शैम्पू भी बहुत अच्छी मेरे को बहुत पसंद आई. ओके एंड नेक्स्ट इन आई हैव दिस रसगुल्ला. एंड सिंस कोविड और ये लॉकडाउन जो भी बहुत चल रहा है, ये स्वीट्स एंड ऑल खाने को मैं तरस गई हूँ. तो लास्ट टाइम मैंने गुलाब जामुन मंगवाया था बिग बास्केट से. अभी इस बार मैंने ये रसगुल्ला ऑर्डर किया है एंड आई लव स्वीट्स. तो ये मैं टेस्ट करूंगी. एंड देन दिस इज दूध का पैकेट अमूल का. बहुत सारी चीजें हो गई मेरे यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड चूड़ा एंड दिस इज द फ्लैटन राइस. इससे पोहा बनता है. सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस. ओके दिस वॉज फॉर 60 rupees एंड दिस इज 1/2 kg. एंड देन ये मिल्क ब्रेड. मुझे ब्रेड में हमेशा मिल्क ब्रेड बहुत पसंद है. यू नो मैंने बीच में जितने भी मैदा वाली ब्रेड है वो खाना छोड़ दिया था. बट सिंस लॉकडाउन अभी खाना हैज बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ. बिकॉज यू नो कहीं आप बाहर ज्यादा जा नहीं सकते हो. तो यू नो आई ईट अ लॉट. एंड अभी फिलहाल फिर से मैंने मैदा वाली ब्रेड स्टार्ट कर दी. आई विल बी स्टॉपिंग इन सम टाइम. मैं आटा ब्रेड स्टार्ट करूंगी खाना. बट मीन वाइल आई एम यूजिंग दिस मिल्क ब्रेड जो कि मैदे वाली है विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. बट स्टिल क्या करे अभी. ओके दिस इज वॉलनट. वॉलनट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. और ये बहुत अच्छा होता है. दैट्स व्हाई यू नो आई ट्राई टू ईट वॉलनट. एंड देन ओके दिस इज नॉर्मल बेसिक थिंग. फॉर्च्यून. आई होप दिस मैंने फॉर्च्यून ऑर्डर किया था राइट. हाँ दिस इज फॉर्च्यून का ऑयल. आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस. ओके तो हाँ ये फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल है. एंड देन मस्टर्ड ऑयल फॉर्च्यून का. ओके दीज आर द फिक्स और यू कॉल इट अंजीर. ये टेस्ट में बिल्कुल ही गंदा लगता है मेरे को. बट जस्ट फॉर गुड हेल्थ एंड इसमें बहुत सारी यू नो इट्स गुड फॉर हेल्थ. इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है. एंड आई ट्राई टू यू नो सोक इट इन वॉटर एंड हैव इट इन द मॉर्निंग टाइम. तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया. वरना टेस्ट तो मेरे को बिल्कुल बकवास लगता है इसका. बट स्टिल. एंड देन आई हैव दिस कैशू. ये ब्रोकन कैशू नट है. एंड मैंने देखा बहुत डिफरेंस है ब्रोकन कैशू नट और वो जो यू नो प्रॉपर जो कैशू होते हैं उसके. तो मैंने सोचा कि यार काजू खाने से मतलब है. तो मैंने ब्रोकन वाली काजू मंगवा ली. ये थोड़ा कम प्राइस. यार कम नहीं, ये तो 304 है. ओके दिस इज नॉट कम. बट इससे भी ज्यादा था 304. ओ माई गॉड आई डिड नॉट नो कि 200 ग्राम काजू 304 rupees का होता. ओके फाइन. एंड देन दिस इज द लैक्टोकैलामाइन. आई यूज दिस क्रीम. मेरे को बहुत सूट करती है. ये सस्ता भी है एंड यू नो ये मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ ये लैक्टोकैलामाइन. इट सूट्स मी. एंड दिस इज द 4th पैकेट. एंड गाइज फिर से इतना सारा प्लास्टिक. आई डोंट नो मैं इनको या तो मेल लिखूंगी नेक्स्ट टाइम खरीदने से पहले कि यू नो दे अवॉइड दिस प्लास्टिक. और मैं इनसे कमी कर दूंगी खरीदना बिकॉज बिग बास्केट में दे डोंट पैक एक्स्ट्रा थिंग्स ऑन प्लास्टिक. और बाकी तो यू नो ऑलरेडी इतना सारा प्लास्टिक है. इस ऊपर से फिर भी इतनी पैकिंग करके दी प्लास्टिक. आई डिड नॉट लाइक इट. उसके बाद ओके ये इसमें सारे चॉकलेट्स एंड ऑल है. ओके सो दिस इज सम ब्रुकसाइड डार्क ब्लूबेरी चॉकलेट. तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे वर्ड डार्क लिखा हुआ है ऑर्डर दिस बिकॉज मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है. मुझे नॉर्मल चॉकलेट उतना पसंद नहीं. डार्क चॉकलेट ही मेरे को पसंद है एंड ये डार्क लिखा हुआ है. दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट. मुझे लग रहा है कि डार्क चॉकलेट ही होगा इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड देन वन विल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द डार्क चॉकलेट.
तो इसलिए बॉर्नविल एंड क्रैनबेरी, एंड क्रैनबेरी इसलिए क्योंकि आई थिंक इसका एक और वर्जन आता है, लेकिन क्रैनबेरी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा कम मीठा होता है एंड ये थोड़ा डार्क होता है, यू नो थोड़ा इसका फ्लेवर, नॉट फ्लेवर बट ये थोड़ा डार्क एंड इंटेंस डार्क चॉकलेट, तो मेरे को ये पसंद आया, नॉट इंटेंस बट फिर भी ये मुझे बहुत पसंद है. एंड देन बटर, आई लव बटर, आई लव बटर इन ब्रेड बटर, फिर कोई पराठे में डालो बटर, आई लव बटर. बटर तो हर महीने ही ऑर्डर मैं करती हूँ. एंड देन आई हैव गॉट दिस, अभी कुछ न्यू आया है कैडबरी का चॉको बेक्स, तो मुझे ये टेस्ट करना था. मुझे चॉकलेट की चीज़ें अच्छी लगती है तो मैंने ये ऑर्डर किया, बट ये मैंने 6 ऑर्डर किया था, बट राइट नाउ आई हैव 5 क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था. मेरे को बहुत टेस्ट करना था ये, बट मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा, बट दैट्स ओके. ये अभी बस 5 पैकेट मेरे को फिनिश करना है एंड आई एम गुड टू गो. एंड नेक्स्ट इन आई एम हैविंग दिस, एंड दिस इज 10 kg पैकेट राइस ऑफ सोना मसूरी राइस, एंड दिस इज सम, व्हाट इज दिस, फैमिली फार्म. ओके, तो ये बेसिकली मैं इतना सारा राइस तो मेरा खत्म नहीं हो पाता 1 month में. ओके, बट ये मैं जो भी बर्ड्स होते हैं जैसे कि पिजन को मैं ये देती हूँ, तो ये 10 kg का जो भी पैकेट है वो आई थिंक 20 से लेके ये 23 डेज तक चलता है. सो आई ऑर्डर दिस 10 kg, तो मैं उसको उनको रोज ही देती हूँ ये राइस, तो बहुत ये जल्दी खत्म हो जाता है, तो मेरे को जल्दी जल्दी स्टॉक अप करना पड़ता है ये. तो ये है एंड ये है, एंड देखो फिर से एक प्लास्टिक, यार बहुत सारे इन्होंने प्लास्टिक यूज की है पैकेजिंग में, आई डिड नॉट लाइक इट, इतना सारा प्लास्टिक. इवन ये जो है स्ट्रेनर, जस्ट बिकॉज इसमें कुछ प्लास्टिक का ना हो इसलिए मैंने इस टाइप का स्ट्रेनर ऑर्डर किया. मैंने बहुत जगह देखा फ्लिपकार्ट में ना प्लास्टिक का ये था, दैट लुक्स गुड, बट फिर भी इतना प्लास्टिक में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ. बट दिस इज लाइक, मुझे पता नहीं था कि ग्रोफर्स में इतने सारे प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ऑर्डर्ड. आई लाइक ग्रोफर्स बट इतने सारे प्लास्टिक, आई डिड नॉट लाइक इट. ओके, सो दीज आर 1 kg ऑफ बनाना, तो ये ठीक है. बिग बास्केट में भी फ्रूट्स इसी पैकेजिंग में आते हैं, दे डोंट यूज प्लास्टिक. एंड दीज आर द टोमेटोज, एंड इसमें भी आप देख लो प्लास्टिक है. बिग बास्केट में दे गिव वो पेपर बैग वाला कवर, सो दिस इज सम टोमेटो. गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि ये थोड़ा हटके वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, एंड आपको थोड़ा मेरे नॉर्मल वीडियोज से थोड़ा ब्रेक मिल गया होगा. एंड ये एक्चुअली ये हॉल करने में मेरे को बहुत मजा आया, एंड या आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें हो गई है, एंड मेरे को इसको यू नो एक्चुअली वॉश भी करना है. सो या गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड या गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर.